नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल निफ्टी स्टॉक प्रेडिक्शंस में। दोस्तों, हमेशा हमें अगर कोई स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के लिए फाइंड आउट करना है या लॉन्ग टर्म के लिए अगर कोई अच्छा स्टॉक आपको पिकअप करना है तो हमेशा आपको सेक्टर एनालिसिस आना चाहिए। दोस्तों, सेक्टर एनालिसिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हमें सेक्टर के हिसाब से ही वो स्टॉक में एंट्री करना है, वो स्टॉक में स्विंग ट्रेडिंग को कैरी फॉरवर्ड करना है। अभी यहाँ पे देखोगे तो हमने पिछले कुछ दिनों से आईटी सेक्टर में बहुत ही अच्छा एक रैली देखा है, एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। वहाँ से हमने बहुत सारे, हर एक को पता है कि हर एक कोई आज पिकअप कर रहा है, TCS ले रहा है, कोई इन्फोसिस ले रहा है। इन्फोसिस के ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया है दोस्तों। उसके बाद HCLTech के बारे में हर एक कोई बात कर रहा है, लेकिन एक और एक स्टॉक है जिस पे आपको फोकस करना चाहिए। वो स्टॉक का मैं नाम आपको ज़रूर बताऊंगा। उससे पहले हम सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं कि सेक्टर एनालिसिस के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पे आप आईटी सेक्टर का इंडेक्स देखोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा एक रेंज में काम कर रहा था, और यही ये जो आईटी सेक्टर का इंडेक्स का चार्ट है वही चार्ट को वो स्टॉक फॉलो कर रहा है, उसी हिसाब से स्टॉक काम कर रहा है। वो दिखाऊंगा मैं आपको अगले चार्ट में। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे सेक्टर एनालिसिस कर लेते हैं। यहाँ पे एक लगभग सेक्टर का जो हाई देखेंगे आप तो यहाँ पे 39,000 के आसपास इसने हाई मारा, वापस वहाँ से लगभग 26,000, मतलब यहाँ से आप फॉल देखोगे दोस्तों तो लगभग 50%, 30%, 32% के आसपास इसने लो मारा। 32% यहाँ पे डाउन साइड में हमें आईटी सेक्टर इंडेक्स देखने को मिला, और उसी हिसाब से स्टॉक्स में भी हमें 40%, 50% डाउन मोमेंट हमें आईटी सेक्टर के स्टॉक में देखने को मिला। तो यहाँ पे आप देखोगे तो वहाँ से इसने 1 साल लगभग इस बॉक्स में काम किया, उसके बाद यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, कंफर्मेशन दिया, वापस इस बॉक्स के अंदर आया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे सपोर्ट, एक ग्रीन कैंडल वीकली क्लोज हुआ। तो यही पे आपको समझ जानना चाहिए था दोस्तों, ये ब्रेकआउट रियल है, रिटेस्ट किया ग्रीन कैंडल, जो कि मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ दोस्तों इसका टेक्निक, कि आपको इसका लॉजिक बताता हूँ कि आपको कैसे बाइंग ढूंढना है। और वहाँ से देखिए लगभग यहाँ से अभी 36,500 तक इंडेक्स आ चुका है, लेकिन यहाँ से क्या होगा इंडेक्स में वो देख लेते पहले। यहाँ से ऊपर जाएगा या रिवर्सल देखने को मिलेगा। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है दोस्तों, इमीडिएट रेजिस्टेंस है 36,762 का, और यहाँ पे देखोगे आप तो लगभग आईटी का इंडेक्स पिछले 4 हफ्तों से यहाँ पे टाइम स्पेंड कर रहा है। यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, उसके बाद 1, 2, 3, 4 हफ्तों से यहाँ पे टाइम स्पेंड किया और इसके ऊपर क्लोजिंग भी दे दिया। तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है कि अगर अगले हफ्ते यहाँ पे कोई डेली कैंडल क्लोज हो जाती है दोस्तों, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो इसके हाई तक, मतलब 40,000 इंडेक्स, 40,000 इसका लगभग प्रीवियस वाला हाई है दोस्तों। यहाँ पे आपको एक यहाँ से एक थोड़ा टारगेट लेके आप यहाँ तक बाइंग रख सकते हो आईटी स्टॉक्स में, लेकिन यहाँ पे आने के बाद आपको डेफिनेटली किसी भी हालत में प्रॉफिट बुक करना है, क्योंकि इमिडिएटली कोई भी चार्ट रहने दीजिए दोस्तों या स्टॉक रहने दीजिए, वो अगर सेकेंड टाइम उसके हाई पे जा रहा है प्रीवियस हाई के पास, तो इमिडिएटली वो ब्रेक नहीं करता। अगर कर भी देगा तो डेफिनेटली वो वापस रिटेस्ट के लिए आएगा। वैसा प्राइस एक्शन हमें दिख रहा है कि लाइव मार्केट में आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सेक्टोरियल एनालिसिस तो हमने कर लिया, इंडेक्स का एनालिसिस तो हमने कर लिया। अभी जो स्टॉक है उस स्टॉक में आपको बताता हूँ दोस्तों, आईटी सेक्टर का ही है। ओके, अभी स्टॉक्स में जाते हैं दोस्तों। यहाँ पे आईटी सेक्टर का जो स्टॉक है दोस्तों, वो स्टॉक है टेक महिंद्रा करके। यहाँ पे टेक महिंद्रा का भी चार्ट देखे दोस्तों, सेम उसका ही मिरर इमेज आपको देखने को मिलेगा। यहाँ से लगभग स्टॉक ने कोरोना के टाइम 500 लो मारा, वहाँ से 1,800 के पास हाई मारा, लगभग लगभग 250% यहाँ पे टेक महिंद्रा ने रिटर्न दिया था। वहाँ से वापस 50% यहाँ पे फॉल देखने को मिला टेक महिंद्रा में, और ये जो प्रीवियस सपोर्ट था लगभग 930, 950 के आसपास, वहीं पे लो मार के यहाँ पे टाइम स्पेंड किया लगभग 1 साल दोस्तों। यहाँ पे एक बॉक्स स्ट्रैटेजी के हिसाब से काम किया, यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट किया, वापस 2 बार यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, और यहाँ से पिछले 4 हफ्तों से जैसे मैंने इंडेक्स में बताया वही यहाँ पे टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहा है। तो अभी टेक महिंद्रा पे क्या कर सकते हैं हम, टेक महिंद्रा में हमें बाइंग करना चाहिए क्या नहीं? दोस्तों, मुझे अगर आप पूछोगे तो इमिडिएट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है, जो उसका प्रीवियस सपोर्ट था इसने ब्रेक किया, वहाँ से नीचे आया, यहाँ पे देखिए एक बार टेस्ट किया, अभी सेकेंड टाइम आ रहा है, लेकिन यहाँ पे होल्ड कर रहा है।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगर कोई स्टॉक अगर रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर रहा है और उसके बाद अगर डेली कैंडल क्लोज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे वापस आप लेवल बता रहा हूँ, वो लेवल है 1315। अगर यहाँ पे ब्रेकआउट देता है थोड़ा पुल बैक में आप 1350 के आसपास बाइंग कर सकते हो, और वहाँ से आपको एक अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। रिटर्न हमें एक्सपेक्टेड है 20%। यहाँ पे देख लेते हैं कितना मिलता है, यहाँ पे 15% के आसपास, हाँ 14 to 15% हमें, यहाँ 15% हमें रिटर्न यहाँ से आराम से मिल जाएगा। तो यहाँ पे 5% आपको रिस्क रखना है। यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ करके देखता हूँ, लॉन्ग पोजीशन आपको यही भी बनानी है रिटेस में। यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा दोस्तों 5% ही रहेगा, कम से कम यहाँ पे 5% आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 1310 का, और टारगेट 1:3 रहेगा। दोस्तों स्टॉक अगर आप मुझे पूछोगे तो अच्छा है, टेक्निकली चार्ट में अभी दिख रहा है, लेकिन हमें हमेशा कंफर्मेशन लेना चाहिए, और कंफर्मेशन लेने के बाद ही हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे जो हमारे अदर इंडिकेटर्स है वो क्या बोल रहे हैं वो देख लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पे वॉल्यूम देखोगे, वॉल्यूम अगर आप देखोगे तो अच्छा वॉल्यूम है, विथ बुलिश कैंडल हेल्दी कैंडल दिख रहा है। यहाँ पे डेली पे आप देखोगे तो RSI अबो 60 दिख रहा है, वीकली में देख लेते हैं, वीकली में भी अबो 60 है, और मंथली में देख लेते हैं, मंथली में थोड़ा कम है दोस्तों, ऑलमोस्ट 60 के आसपास है। तो शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए अभी ये पॉजिटिव हो चुका है, ऑलमोस्ट पॉजिटिव हो चुका है। तो यहाँ पे IT में और बड़ा रैली भी देखने को मिल सकता है, लेकिन थोड़ा कंफर्मेशन लीजिए। कंफर्मेशन के बाद ही आपको यहाँ पे अगर एंट्री करना है तो वहाँ पे आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र का एडवाइस लेके ही एंट्री कीजिए। यहाँ पे तो स्टॉक ओवरऑल पॉजिटिव दिख रहा है, वन बाय वन हमने एनालिसिस भी कर लिया है, उसी हिसाब से आपको अगर एंट्री लेना रहेगा तो दोस्तों लेवल्स के ब्रेकआउट का वेट कीजिए। जैसे ही ब्रेकआउट हो जाता है उसके बाद आपके रिस्क रिवार्ड के हिसाब से यहाँ पे मैंने ऑल ड्रॉ करके दिया है लेवल्स, उसी हिसाब से आप देखिए और वहाँ पे अपना ट्रेड प्लान कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वापस 1308 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा बाइंग लेवल लगभग यहाँ पे देखोगे तो 1378 रहेगा, और टारगेट मैंने ड्रॉ करके ही दिया है। तो दोस्तों ऐसे अगर आपको वीडियो चाहिए रहेंगे, कोई स्टॉक का एनालिसिस चाहिए रहेगा, तो डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में मुझे वो स्टॉक का नाम लिख के टाइप करके भेजिए। उसके ऊपर डेफिनेटली फंडामेंटल एज वेल एज टेक्निकल एनालिसिस वीडियो बनाने का मैं ट्राई करूँगा। और आपका अगली कोई भी नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए रहेगा तो डेफिनेटली आपका जो नोटिफिकेशन है वो ऑन करके रखिए, जैसे ही वीडियो पोस्ट होगा आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा रहा है तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।